टांके की छोड़ पर बोलना सीखिए। ये ज़ुहैर इब्ने कैस की मजार लीबिया में मजार है। ये ढाने से पहले, शहीद करने से पहले ये शक्ल है उस मजार पाक की, और ये बम रखने के बाद की शक्ल, बम से उड़ाया पहला बम विस्फोट के बाद की शक्ल, दूसरा बम जब विस्फोट हुआ कब्र के पास रखकर तो कब्र के परखचे उड़े, पत्थर उड़े, दीवारें टूट गई, लोहे की रॉडे गल गई, पत्थर रेजा रेजा हो गए, मगर ज़ुहैर इब्ने कैस ने इनके बातिल अकीदे पे ऐसे तमाचा मारा कि कब्र के पत्थर हटाए, जिस्म सलामत नजर आ रहा है, और जिस्म सलामत होके कह रहा है खबीसो तुम मेरे नबी को मुर्दा कहते हो जब मैं गुलाम मुस्तफा होके जिंदा हूं 1400 साल तक, कि मेरे जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती तो मेरे आका के जिस्म को कैसे मिट्टी खा सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजर इब्ने आदी रदी अल्लाह तआला ने कहा भी साहब ये रसूल बैरूत में मजार। अब मैं नहीं कहता ये आतंकवाद वहाबी आतंकवाद है, ये दहशतगर्दी वहाबियों की दहशतगर्दी है, ये बैरूत के एक चैनल का एंकर खुद कह रहा। क्या किया इन्होंने, हुजर इब्ने आदी रदी अल्लाह तआला ने की कब्र पर रात में गए, जालियों को तोड़ा, और तोड़ने के बाद कब्र को खोदा, जिस्म को निकाला, जिस्म को निकाल कर गुमनाम जगह पर ले गए। बड़ी अजीब बात है यार, इनकी अकलों पे पर्दे देखो कैसे पड़े हुए हैं, और शैतान इनके दिलों पर कैसे हावी होकर बैठा हुआ है। दिल को शैतान ने अपने काबू में और अपनी मुट्ठी में कैसा कर लिया है कि देख रहे हैं खबीर हुजर इब्ने आदी की जिस्म मुबारक बाहर आ रहा है सलामत, ज़ुहैर इब्ने कैस का जिस्म सलामत, ये और सहाबा के नबी के गुलामों के जिस्म निगाहों के सामने देख रहे हैं, जिस्मों को निकाल रहे हैं, ले जा रहे हैं, मगर अकल नहीं आ रही है कि हमारा मजहब कितना बातिल, हमारा धर्म कितना बातिल, और सुन्नियों का मजहब कितना हक, कि उन्होंने लाशें जिस्म तो आज निकाली गई, तब निकाली जब नहीं गई थी तब भी उनका अकीदा था कि अरे सहाबी तो सहाबी, वली के जिस्म को कब्र नहीं खाती, तो मजहब तो वही हक है ना। और अब मैं बढ़कर एक चैलेंज कर रहा हूं, देवबंदी भी सुने और गैर मुकल्लिद भी सुने, और इंशाल्लाह ये नेट पर चैलेंज मैं अपने नौजवानों से कहूंगा काट काट के, ये इतनी क्लिप जो मैं चैलेंज कर रहा हूं बस इतनी काट दो, मेरी तकरीर का कुल हासिल है ये बस तकरीर हो खत्म हो जाएंगी, अगर ये मैं इसके बाद तकरीर ना भी करूं तकरीर का हक अदा हो जाएगा, मेरी हकानियत इससे जाहिर हो जाएंगी, मेरे मजहब की हकानियत जाहिर हो जाएंगी। सिर्फ इतनी क्लिप काट के जितना फैला सकते हो फैलाओ, जो मैं अब जुमला कहने जा रहा हूं, मैं तमाम देवबंदी वहाबियों को कहता हूं तुम नबी को मुर्दा कहते हो, तुम्हारे मुल्लाओं ने लिखा नबी मुर्दा है, तुम्हारा अकीदा है कि नबी मर गए मिट्टी में मिल गए, तुमने हमें आजमाया, तुमने मोहियुद्दीन अलाए की कब्र को खोदा जिस्म सलामत निकला, तुमने हुजर इब्ने आदी की कब्र को खोदा जिस्म सलामत निकला, तुमने हजरत ज़ुहैर इब्ने कैस की कब्र को खोदा जिस्म सलामत निकला, हमारे बुजुर्गों के जिस्म सलामत निकलते रहे, तुम देखते रहे तब भी तौबा की तौफीक नहीं हो रही है, अच्छे हो तो मोहम्मद इब्ने दुलवाब नजदीकी कब्र खोद कर उसकी लाश दिखा दो, अगर सलामत निकल जाए तो मैं भी मान लो कि तुम्हारा मजहब सच्चा है। नारे तकबीर, खोद के नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न आमद इमामुल अंबिया, नारे मोइनुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम तो हमें आजमा चुके, अब हम तुम्हें चैलेंज करते हैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की कब्र खोदो निकालो, देखो कीड़े मकोड़ों के साथ कोयला बन के ना निकले तो खुदा की कसम मेरा नाम का कुत्ता पाल लेना, तुम्हारे मजहब की हकानियत की तस्दीक कर दूंगा। खोदो इस्माइल दहलवी की कब्र को, हिम्मत हो तो खोदो अशरफ अली थानवी की कब्र को, खोदो रशीद अहमद गंगोही की कब्र को। मैं जानता हूं तुम खुद नहीं खोदोगे, तुम्हें खुद मालूम है, अरे मरने से पहले ही अजाब में थे, मरने के बाद क्या हाल हो, क्या हाल रहे होंगे, तुम खुद जानते हो, तुम्हें खुद पता है कि हमारे मुल्लाओं को जो हमने बुजुर्ग समझ के गाड़ा, कब्र की मिट्टियों ने कब इनका नामो निशान मिटा दिया, जब तुमने देखा कि हमारे बुजुर्गों का निशान नहीं तो हम सुन्नियों के बुजुर्गों के भी निशान को बरकरार रहने नहीं देंगे, इसलिए तुमने ये आतंकवाद का खेल शुरू किया, इसलिए तुम बम फोड़ते हो, इसलिए तुम कब्रों को खोदते हो। ज़ुहैर इब्ने हुजर की कब्र को खोदा इन खबीसों ने, इनकी चुरत देखो यार, हाथ नहीं लरसते इन खबीसों के, जब एक साहबे रसूल की कब्र को खोद रहे हैं।
اور اسلام تو ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث، کیا پڑھتے ہیں خبیث کے بچے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، عمر ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کہتے ہیں میں ایک قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں، آقا کی نظر مجھ پہ پڑی، جلال طاری ہو گیا سرکار کے چہرے اقدس پر، اب بڑے جلال میں فرمایا اے ابن حزم قبر سے ہٹ جا، نہ تو قبر والے کو تکلیف دے نہ قبر والا تجھے تکلیف دے. کہا یا رسول اللہ قبر سے ٹیک لگانے سے بھی صاحب قبروں کو تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا ایسے ہی صاحب قبروں کو تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے.